तीन मार्च में तो सबको ले चलते, तो एक ही दो बुए उसमें लगा देते उनके साथ में, पता नहीं चलता और जल जाते। इसके वजह से हम संयमित भीड़ को ही ये प्रशासन ही प्रशासन तो कहे कि जो भी जितने लोग चलना चाहते हैं चले, लेकिन हम लोगों ने प्लान बनाया कि संयमित भीड़ और वहां तक चला जाए। आज आपकी जिंदगी की लड़ाई चल रही है, सब बोल मीडिया वालों को डेढ़ महीने से आप लड़ाई को लड़ रहे हैं इस तरीके, और हमें आंदोलन से बहुत कुछ मिला है या बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन इस आंदोलन से हमें बहुत कुछ सीख भी मिला। गाजी महाराज 17 साल से आंदोलन करते हैं, लेकिन इस आंदोलन से जो हमको सीख मिला है, आइंदा कोशिश करेंगे कि इस प्रकार से आंदोलन ना हो। सीख क्या मिला हमें बता दो, चूंकि आप लोग हो अध्यापक हो, अपने मोबाइल देखेंगे। हम आप लोगों से कहे थे कि 4 दिन के लिए जंतर मंतर पे आंदोलन करना है, सबको लिख दिया गया था, कम चल रहा है। और हमें जो तकलीफ है कि पहले दिन आए, चलो विधानसभा, चलो सांसद भवन, चलो यहाँ पर, और आप ताली बजाना शुरू कर दिए। आपकी ताली उसी में बजती है जो कहे चलो सांसद भवन पर। जब मैं आपसे 4 दिन के लिए कह करके चला था, तो 3 दिन अपनी मांग को रखना चाहिए। इस मन से कोई अपनी मांग को नहीं बता रहा, मीडिया को नहीं बता रहा है, जो भी खड़ा हो रहा है मोदी को तो जोगी को बुखार फेंकेंगे, लग रहा है सरकार आपको बनाना है। जब जरूरत होगा वोट देना, बुखार फेंक देना। लेकिन आज जो आपका जो स्थिति है, मैं मंच पर सभी लोगों से कह रहा हूं, बहुत तकलीफ हमको इस बात का कि कोई अपनी मांग को सही ढंग से रखा नहीं कि मेरी मांग क्या है। मन से कोई ये अब तक नहीं कहा कि हमारी मांग अच्छा देश है, कोई मन से नहीं कहा कि हमारी मांग पूरे विचार आज का उत्तर प्रदेश से दाखिल करने का है, कोई मन से नहीं कहा कि समान काम समान वेतन के तहत जो मामला सुप्रीम कोर्ट से है उसको शिक्षा मित्र बना के ऊपर लागू किया जाए, कोई मांग इसको नहीं कहा। किसी ने नहीं कहा कि एनसीडी के पैरा 4 में संशोधन करके हमको उसमें सम्मिलित करते हुए टीटी से छूट दिया जाए, ये हमारे मांग में शामिल, किसी ने नहीं कहा। कुछ विद्वान साथी जो अपने वक्तव्य में बोले जिनकी सरकार चल रही है, हम लोग यहाँ तक प्रयास कर रहे थे कि बातचीत होगा, यदि टीटी का ही बहुत ज्यादा जोर है तो 60% भी कोई पास नहीं हो सकता। चूंकि आप 17 साल से सेवा कर रहे हैं, 50 साल के हो गए, तो 60% पे पास कैसे होंगे। हम लोगों ने उस मुद्दे को भी रखा कि 15% कटौती करते हुए 45% पासिंग मार्क कर दिया जाए, निश्चित तौर पर सबका हेडक दूर हो जाएगा। ये सब कुछ केंद्र सरकार के हाथ में है, लेकिन कुछ मांग राज्य सरकार के हाथ में है, कुछ काम संगठन के हाथ में है। पुनर्विचार याचिका दाखिल करना था, दाखिल कर दिया गया है। अभी कल पता किए, 1 हफ्ता में फाइल आपका लग रहा है। ऐसा नहीं है, सबसे बड़ा हथियार भी है, आपको जानना चाहिए कि अगर आप समाजन हुए हैं, अगर समाजन बचाना है, पुनर्विचार याचिका को छोड़ के कोई आपको बचा नहीं सकता। लेकिन आज जो आप लेने आए थे भारत सरकार से, उस पर पहले आपको मंथन करना चाहिए था, 2-3 दिन मंथन करना चाहिए था कि हम आखिर में किस लिए आए हैं।
सांस तक आपके जिंदगी बचाने के लिए अंतिम सांस तक प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।